श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम जब ग्राउंड पर उतरी और रोहित शर्मा ने टॉस के बाद टीम का ऐलान किया तो प्रशंसकों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई और उसके पीछे वजह थी टीम का कॉम्बिनेशन। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले मैच में T20 मैच में अपना तीसरा शतक मारा था और भारत में ऐसा करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने, उन्हें वनडे मैच से बाहर कर दिया गया है। लोगों की हवाइयां उड़ी कि भाई साहब ये टीम सिलेक्शन आखिर किस बुनियाद पर होता है, क्या करना चाहते हैं आप और ये क्यों होता है, क्योंकि इस टीम में ईशान किशन को भी जगह नहीं मिली। वही ईशान किशन जिन्हें आपको याद होगा आखिरी वनडे मैच में दोहरा शतक मारा था। अब सवाल यह कि परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया कुछ तो होता होगा। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव से अच्छी फॉर्म इस वक्त करंट टीम इंडिया में किसी के पास नहीं है। वो सबसे ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, लगातार रन बना रहे हैं जहां भी मौके मिल रहे हैं, चाहे वो रणजी मैचेस फर्स्ट क्लास की बात हो, उसके अलावा T20 में, और उन्हें बाहर बिठा दिया गया। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात है तो ईशान किशन जिन्होंने दोहरा शतक मारा था उन्हें जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इन दोनों को बाहर कर दिया गया और इनकी जगह मौका दिया गया शुभमन गिल को। वो शुभमन गिल जो 3 मैचों की T20 सीरीज में ना के बराबर रन बनाते नजर आए, और जब बनाए भी तो उनका स्ट्राइक रेट क्या था हम सबने देखा। और साथ ही जगह मिली केएल राहुल, न जाने कैसे हर बार वो टीम कॉम्बिनेशन में एकदम फिट बैठ जाते हैं। फॉर्म रिकॉर्ड्स दोनों गायब है। अब सवाल यह कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्या टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता था। आप कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो अच्छी फॉर्म में है, इस वजह से सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने ऑलराउंडर ज्यादा प्रेफर किया, बैटर्स को कम प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप अक्षर पटेल को T20 फॉर्म के हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर वनडे टीम में जगह दे सकते हैं तो सूर्य कुमार यादव को क्या किसी खिलाड़ी के ऊपर खिला नहीं सकता? और अगर आपको खिलाना ही था तो फिर आप क्या ईशान किशन को शुभमन गिल की जगह नहीं खा सकते? क्योंकि केएल राहुल की टीम में जगह सिर्फ इसलिए बनती है क्योंकि आज वो विकेटकीपर हैं, इससे पहले जगह बन रही थी क्योंकि वो वाइस कैप्टन थे। वाइस कैप्टेंसी के नाम पर तकरीबन वो 10 मैचेस खेल गए और आज क्योंकि वो विकेटकीपर है। अब अगर विकेटकीपर ही खिलाना था आपको तो आप ईशान किशन को खिला सकते थे, दोहरा शतक मारा था, विकेटकीपर अच्छा है, उसने T20 मैचेस में बहुत अच्छी विकेटकीपिंग की थी। शुभमन गिल को आप फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन खिला सकते थे, नहीं आप ईशान किशन को खिला सकते थे, उसके साथ सूर्य कुमार यादव फिट हो जाते, शुभमन गिल बाहर बैठ जाते। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन पर बहुत सारे सवाल है और इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि केएल राहुल हर बार टीम में कैसे जगह पा लेते। वो अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक जमाने में अच्छा रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में ना उनके पास फॉर्म है ना उनके पास स्टैट्स है और खुद उनका कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज ही बहुत डाउन है। सूर्य जैसे खिलाड़ी को साइड करना, दरकिनार करना, क्या ये टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत है? मतलब मेरे लिहाज से तो बिल्कुल नहीं।